CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम होली। आलेख मदन शर्मा का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई आज बातचीत शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। क्यों दोस्तों, पहेली का उत्तर दोगे ना? चलो दोस्तों सुनो ये पहेली और बताओ इसका क्या उत्तर है। सर्दी जाए गर्मी आए, सर्दी जाए गर्मी आए, सब मिलकर जब जंग बजाए, सब मिलकर जब जंग बजाए, गाए गीत गुलाल उड़ाए, गुलाल उड़ाए, गुलाल उड़ाए, त्योहार कौन सा तब है आए, त्योहार कौन सा तब है आए, त्योहार कौन सा तब है आए। बताओ बताओ ये कौन सा त्योहार है? अरे दोस्तों जरा जोर से तो बोलो। हाँ ये त्योहार है होली का। दोस्तों होली आ गई। होली है उठ चलो घरे आवे लाडो सागे नई से जुड़े, उठ चलो घरे आवे लाडो सागे नई से जुड़े, ए रुन 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 मेल तना तू ले लो लाडे रे सागे भेज दो बाबा सागे भेज दो आ रंग रंगी होली। दोस्तों होली से कई दिन पहले लोग इकट्ठे होकर गीत गाने लगते हैं और होली के दिन तक गाते रहते हैं। क्यों दोस्तों तुम भी तो गीत गाते हो ना होली के? अच्छा दोस्तों जरा ये तो बताओ होली का त्योहार तुम कैसे मनाते हो? बताओ बताओ। अपने साथियों के गुलाल लगाते हो? अरे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर रंग डालते हो और दोस्तों मिठाई भी तो खाते हो। अरे 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 देखो 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 मिठाई के नाम से तो सबके मुंह में पानी आ गया। भाई मिठाई है ही ऐसी चीज। दोस्तों होली पर जानते हो कौन कौन सी मिठाइयां बनती हैं? होली पर बनती हैं गुंजिया। गुंजिया और कहीं कहीं घेवर भी तो बनते हैं। क्यों दोस्तों घेवर खाए हैं ना? सब मिलजुल कर खूब मिठाई खाते हैं और खूब मिठाई खाते हैं और फिर गाते हैं। सारी लाडी नवा दिना में तो मन घेवर खावे रे, सारी लाडी नवा दिना में तो मन घेवर खावे रे, दस मन घेवर लाए मेल चू बैठी खावे रे, भेज दो बाबा
जिस दिन तुम होली खेलते हो, एक दूसरे के गुलाल लगाते हो, उससे एक दिन पहले होली पूजन होता है। होली पूजन, इस पूजन को कहते हैं ठंडी होली का पूजन। क्या कहते हैं? ठंडी होली का पूजन। दोस्तों, इस पूजन के लिए एक डांडा यानी लंबा पतला बांस की तरह का पेड़ चौराहे पर जमीन में गाड़ देते हैं और उसके चारों तरफ झाड़ियां, घास फूस और मोटे मोटे तिनके लगा देते हैं और फिर सब लोग इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, इसके थोड़ी देर बाद ये होली जलती है और इसके बाद फिर जलती हुई होली का पूजन किया जाता है। दोस्तों, जो ही होली जलाते हैं, घास फूस और झाड़ियों के बीच खड़े डांडे यानी पतले लंबे बांस से खड़े पेड़ को कुछ लोग उखाड़कर अलग रख देते हैं। इस तरह वो डांडा जलने से बच जाता है और घास फूस और झाड़ियां जल जाती हैं। दोस्तों, जब ये होली जल रही होती है तो लोग जौ की बालियां इसमें भूनते हैं। दोस्तों, होली के बारे में एक बात हम तुमको और बताते हैं, वो ये कि होली के कुछ दिन पहले गोबर के बटकूले बनाए जाते हैं। दोस्तों, बटकूले जानते हो ना? जब ये बटकूले सूख जाते हैं तो इनकी माला बना दी जाती है और फिर होली पूजन के समय फूल माला के साथ बटकूले की मालाएं भी जलती होली पर चढ़ा देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इन जले हुए बटकूलों को किसी बर्तन में रखकर अपने घर ले आते हैं और घर में चारों ओर घुमाते हैं। जानते हो क्यों? वो इसलिए कि उस समय इनमें खूब धुआं निकलता है। और वो धुआं घर के मक्खी मच्छरों को मार देता है। दोस्तों, जब होली जलती है तो औरतें भी गीत गाती हैं।
दोस्तों, होली की भी एक कहानी है। सुनोगे कहानी? तो लो सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। वो राजा बड़ा घमंडी था, अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। यहां तक कि वो अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझता था। उसने अपनी प्रजा से कह रखा था कि सब उसकी पूजा करें, भगवान की पूजा कोई ना करे। यदि कोई आदमी भगवान की पूजा करता था या प्रार्थना करता था तो राजा हिरण्यकशिपु उसे बहुत तंग करता था, उसको जेल में बंद कर देता था। हिरण्यकशिपु का एक लड़का था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था। इस बात से उसका पिता हिरण्यकशिपु उससे नाराज रहता था। उसने अपने बेटे प्रहलाद को मार डालने की योजना बनाई। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। क्या नाम था उसका? होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि आग उसे नहीं जला सकेगी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया और उनके चारों तरफ आग लगा दी। उसको तो यकीन था कि होलिका को वरदान प्राप्त है कि आग उसे नहीं जला सकती, इसलिए होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो दोस्तों, जब उनके चारों ओर आग लगाई गई तो प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना करने लगा। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। जानते हो फिर क्या हुआ? दोस्तों, प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। दोस्तों, जानते हो होली जलाते समय जो डांडा हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसे हम जलने नहीं देते, उसे प्रहलाद मानते हैं, और जो घास फूस और झाड़ियां जल जाते हैं उसे होलिका मानते हैं। और दोस्तों, आओ अब हम और तुम इन गीतों के साथ होली मनाते हैं। पिचकारी लाई, हाथ में पिचकारी लाई, अबीर गुलाल उड़ाती आई, अबीर गुलाल उड़ाती आई, शोर मचाती टोली आई, शोर मचाती टोली आई।
प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।